प्यार तुझे करता हूँ, देख मेरी आंखों में। तो हे गाइज वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल वीडियो एडिटिंग लेके आ चुका हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जो स्टेटस वाला वीडियो देखिए, इस टाइप का वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज्यादा वायरल है और अभी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको क्रिएट करना है तो मेरा ये छोटा सा वीडियो जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके फोन में VN एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर से भी इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यार, इनशॉर्ट एप्लीकेशन में जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे थे सेम स्टेप आपको VN एप्लीकेशन में मिलेगा। तो सेम आपको यहाँ पे फॉलो करना है स्टेप को एंड वीडियो को एडिटिंग करना है। लेकिन VN एप्लीकेशन में बहुत सारा आपको एनिमेशन इफेक्ट मिलेगा, तो वीडियो एंड फोटो में अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही मस्त मस्त इफेक्ट एंड एनिमेशन है। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। तो VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे मिलेगा प्लस वाला आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे मिलेगा दो ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको ये 3 सेकंड का वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड फोटो वाला ऑप्शन जाना है। और ये वाला वीडियो बनाने के लिए आपको टोटल यहाँ पे 10 फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम 10 फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये जो ब्लू जैसा एरो मिलेगा यहाँ पे क्लिक करना है, तो मेरा यहाँ पे इंटर वीडियो एंड 10 फोटो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेने एंड अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाने कुछ इस तरह से। आने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग ऐड करने। तो यार इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज होगा सबका लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए ऊपर में मिलेगा यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक, यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्लिक करना है। म्यूजिक वाला ऑप्शन जाने, माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है वीडियो के अंदर है, तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी आप म्यूजिक को ऐड कर सकते हो एंड वीडियो अगर आपके पास है एंड वीडियो के अंदर सॉन्ग रहेगा तो यहाँ पे 3 नंबर वाले जो प्लस वाला आइकन मिलेगा यहाँ पे, इसमें क्लिक करना है एंड वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन में जाना है एंड वीडियो वाला ऑप्शन जाकर उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड वीडियो के अंदर तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सॉन्ग है, तो नीचे में बहुत सारा आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पे एक्सट्रेट ऑडियो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड वीडियो को करना है डिलीट, तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सॉन्ग ऐड करने के बाद अब क्या करना, आपको सॉन्ग में बीट मार्क ऐड कर लेना है और बीट मार्क के अकॉर्डिंग आपको फोटो का ड्यूरेशन है आपको यहाँ पे सेट करना है। तो सॉन्ग में बीट मार्क ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे मिलेगा बीट्स वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर एक टाइमर का, देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर का एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यही टाइमिंग को फॉलो करना है और बीट मार्क ऐड करना है एंड जो सॉन्ग का टाइमिंग है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो बीट का टाइमिंग है देख सकते हैं 3.67 है, तो आपको इस तरह से चल जाना है 3.67 में, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे बीट मार्क ऐड कर लेना है, तो बीट मार्क ऐड करने के लिए नीचे में जो एरो मिलेगा ये रेड जैसा, इसमें क्लिक करना है। तो मेरा जो फर्स्ट बीट मार्क है यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो इस तरह से कर लेना है। एंड सेकंड बीट मार्क का टाइमिंग देख सकते हैं 4.35 है, तो आपको इस तरह से चल जाना है 4.35 में, ओके। एंड यहाँ पे बीट मार्क ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। तो सेकंड बीट मार्क मेरा ऐड हो चुका है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला बीट मार्क ऐड करना है। तो यहाँ पे 4.84 है, तो यहाँ पे आपको चल देना है 4.84 में, ठीक है। एंड बीट मार्क ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। तो एक एक करके यहाँ पे पूरा बीट मार्क ऐड कर लेना है। टाइमिंग की यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर दिया हुआ है, तो ये टाइमर को आपको फॉलो करना है एंड बीट मार्क ऐड कर लेना है। तो चलिए ये चीज को हम जल्दी से कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉन्ग में पूरा बीट मार्क ऐड कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करना है डन। डन करने के बाद यहाँ पे सॉन्ग के ऊपर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा एरो एरो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं एरो एरो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एरो को छोड़कर आपको सेकंड एरो के ऊपर इस तरह से आ जाना है एंड फोटो का ड्यूरेशन देख सकते हैं काफी लॉन्ग है, तो आपको ये फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से आपको ये एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं पे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला एरो आ जाना है एंड नेक्स्ट वाला फोटो का ड्यूरेशन इस तरह से आपको सेट कर लेना, मतलब एक एक करके सब फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से ये एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, इस तरह से। इसको भी छोटा करना है, इसमें जाना है और इसको भी छोटा करना है, ठीक है, इस तरह से। देख सकते मैंने कर लिया हूँ एंड लास्ट वाला फोटो के ऊपर आना है कुछ इस तरह से कर लेना है एंड एक एक्स्ट्रा फोटो मैंने ऐड किया हूँ, तो इसको करना है यहाँ पे डिलीट, ठीक है। इस तरह से कर लेने के बाद अब क्या करना, आपको फोटो को अब आपको सेट करना है, जो फोटो यहाँ पे सेट नहीं रहेगा तो इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है, ये फोटो को कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है एंड फोटो को जूम कर लेना है हल्का सा, ठीक है। इस तरह से हो जाने के बाद अब क्या करना, आपको ऊपर में यहाँ पे और जनरल वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको 9:16 वाले रेशियो में क्लिक करना है, तो फोटो एंड वीडियो यहाँ पे 9:16 वाले रेशियो में सेट हो जाएगा। तो ये फोटो मेरा यहाँ पे सेट नहीं है, तो इस फोटो को भी इस तरह से कर लेना है सेट, ठीक है। देख सकते मैं हल्का सा जूम कर लेना है, तो फोटो मेरा सेट हो जाएगा,
ओके तो इस तरह से आपको एक एक करके कर लेना है ऐड। अब क्या करना, अब आपको फोटो में एफएक्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो फोटो में एफएक्स ऐड करने के लिए फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, एंड नीचे में आपको बहुत सारा यहाँ पर टूल्स मिलेगा, तो यहाँ पे एफएक्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको एनिमेशन मिल जाएगा या फिर एफएक्स बोल सकते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा स्लाइडिंग करना है, यहाँ पे मिलेगा जूम इन वाला एक एफएक्स, देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब एनिमेशन, ठीक है। तो ये जूम इन वाला एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड पूरा वीडियो में इस तरह से आपको सेट कर लेना है, ठीक है। एंड नीचे मिलेगा अप्लाई टू ऑल, देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्लिक करना है तो सब फोटो में ये जूम इन वाला इफेक्ट मेरा ऐड हो जाएगा, मतलब एनिमेशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वीडियो में भी अप्लाई हो जाएगा, तो वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे करना है नन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना है डन, ओके। एंड अब क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो में इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो फोटो में इफेक्ट ऐड करने के लिए फोटो के ऊपर आना है एंड जस्ट बगल में यहाँ पे प्लस प्लस वाला आइकन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, एक प्लस वाला आइकन के ऊपर रेड वाला व्हाइट वाला, इसमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है लाइट इफेक्ट, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारा आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा लाइट इफेक्ट, इसमें क्लिक करना है एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है एकदम आपको 0.2 सेकंड में कर लेना, मतलब एकदम आपको लो करना है, कुछ इस तरह से लो करना है, ठीक है। एंड नीचे मिलेगा अप्लाई टू ऑल, इसमें क्लिक करना है, जितना भी प्लस वाला आइकन है सब प्लस वाला आइकन में यहाँ पे ये इफेक्ट मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है, तो देख सकते हो फाइनली गाइस मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है इंट्रो जैसा, ठीक है। एंड अब क्या करना है, आपको फोटो को हल्का सा आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, कोई सभी एक फोटो के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से एंड नीचे में मिलेगा यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा बिगनेट वाला ऑप्शन, देख सकते हैं बिगनेट, इसमें जाना है और बिगनेट को करना है 80% या फिर 90% में, ठीक है। एंड यहाँ पे मिलेगा शार्पन, शार्पन को करना है 50% में, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा डबल टिक वाला एरो, यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो फोटो है यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एडजस्ट करने के बाद फोटो जो है मेरा यहाँ पे मस्त हो चुका है, तो इस तरह से आपको कर लेना। उसके बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे जाना है, जाने के बाद देख सकते हैं फाइनली मेरा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूँ। एंड गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर लेना, चैनल पर नहीं जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह का और एडिटिंग वीडियो आप लोग सीख सको। एंड अब क्या करना, इस वीडियो को करना है सेव, सेव करने के लिए ये जो एरो मिलेगा ब्लू जैसा, इसमें क्लिक करना है एंड ये सबको यहाँ पे आपको फुल कर लेना है कुछ इस तरह से एंड इस वीडियो को करना है सेव। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।